Today's topic is relation between EMF of the cell जिसको हमने रखा E, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल जिसको हमने रखा V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल छोटा होगा स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करो ठीक है सो लेट मी ड्रॉ ए सर्किट तो हमने एक सेल को लिया ये हमने एक सेल को लिया और इस सेल की ईएमएफ है ई इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर राइट इस सेल का ईएमएफ है ई इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बिकॉज सेल के अंदर इलेक्ट्रोड लगे हैं सेल के अंदर एक केमिकल है तो इलेक्ट्रोड का भी अपना रेजिस्टेंस है और उस केमिकल का भी अपना रेजिस्टेंस है सो टोटल मिला के उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर वेरी स्मॉल स्मॉल आर का मतलब वो कम ही होता है ज्यादा नहीं होता नाउ इट इज कनेक्टेड टू ए वोल्टमीटर एक वोल्टमीटर से इसको हमने कनेक्ट करना है तो लेट मी कनेक्ट दिस विद ए वोल्टमीटर सो ये वोल्टमीटर हमने लगा दिया वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल ये तो आपको पता ही होगा ओके वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल और अब यहाँ पे हमें एक एक्सटर्नल यहाँ पे एक स्विच लगा दिया हमने स्विच को हमने यहाँ पे स्विच फिजिक्स में हम यूज करते हैं की टाइप का स्विच ये एक्चुअली स्विच है और यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया कोई लोड रेजिस्टेंस लगाया हमने इसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस आर राइट ये थोड़ा बड़ा होता है थोड़ी हाई वैल्यू का होगा और उसके बाद हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है एक एमिटर सो एमिटर इज ऑलवेज ऑल द टाइम कनेक्टेड इन सीरीज तो यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट किया सीरीज में ये वोल्टमीटर हो गया ये एमिटर हो गया ये मेरा स्विच हो गया एस ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया आर ये मेरा वोल्टमीटर हो गया सो अब देखते हैं इसके अंदर करंट फ्लो करेगा करंट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से करंट निकलेगा और हमें ये तो पता है कि वो फिर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा तो यहाँ से वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एंटर करेगा ठीक है सो वो करंट इधर इस पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट पे फिर वो है ना उसमें से आई वन इधर चला जाएगा और आई टू इधर जाएगा राइट अल्टीमेटली इधर से आ रहा है आई टू इधर से आ रहा है आई टू और इधर से आ रहा है आई वन ठीक है सो फाइनली क्या होगा यहाँ पर फिर द्वारा I1 plus I2 is equal to I करंट हमें मिलेगा राइट सो अब हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन E, V एंड R सो हमने सबसे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सेल एक वर्क करेगा वर्क डन बाय द सेल क्या होता है सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय द सेल इंटरनल रेजिस्टेंस आर तो वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू इतना वर्क डन सेल को करना पड़ेगा इस डी क्यू चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेके जाने में लेट मी टेक दिस इज इक्वेशन नंबर वन राइट So this is the work done by the cell. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DW is equal to E और DQ क्या होता है I into DT. चार्ज क्या होता है करंट इंटू टाइम
कि डी क्यू चार्ज था तो डी टी टाइम के लिए फ्लो हुआ होगा, ये डेफिनेशन आपको पता ही है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, सिर्फ डी क्यू आ गया आई इंटू डी टी, ठीक है ना। सो इसको इसको रख लो इक्वेशन नंबर वन, इसको मतलब इसको मतलब इसको रख लो इक्वेशन नंबर वन, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, ओके राइट। अब सेकेंड चीज है, अब हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा V, अब ये V पोटेंशियल होगा, सो इस V पोटेंशियल में भी हमें बोलना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस के इस पार्ट से इस पार्ट तक चार्ज को लेके आने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस पे चार्ज फ्लो होगा। सो इस पॉइंट से, क्योंकि देखो करंट इधर जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो चार्ज को आना चाहिए राइट टू लेफ्ट। सो इस पॉइंट से इस एंड से इस एंड तक चार्ज को लेके आने में फिर दोबारा इस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। अब वो हो गया एक्सटर्नल वर्क, और ये था इंटरनल वर्क, बैटरी के अंदर वर्क, क्योंकि बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये इंटरनल वर्क हो गया, बैटरी का इंटरनल वर्क। अब हम एक्सटर्नल वर्क की बात करें, क्योंकि ये एक बाहर का रेजिस्टेंस है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में अगर करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो चार्ज को राइट टू लेफ्ट आना है, मीन्स इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक, इस एंड से इस एंड तक चार्ज को, डी क्यू चार्ज को लेके आने में भी बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। सो एक्सटर्नल वर्क डन बाय दी बैटरी, एक्सटर्नल वर्क के लिए लिखेंगे एक्सटर्नल वर्क डन बाय दी सेल, सेल बोलेंगे क्योंकि यहां पे सिंगल सेल है, बाय दी सेल, तो वो कितना होगा बच्चों, एक्सटर्नल वर्क कितना होगा, उसको डी डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क लिखेंगे, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे वोल्टेज मानी थी हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी, और ये चार्ज माना डी क्यू, तो इसको हमने लिख दिया डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी आई इंटू डी इंटू टी, और ये इक्वेशन होगी बच्चों इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है बच्चों। अब हमें करना है, अब देखो, अब उसके बाद आ गया ये इंटरनल रेजिस्टेंस, अब करंट कैसे जा रहा है राइट टू लेफ्ट, मींस यहां से यहां तक, तो चार्ज को आना चाहिए यहां से यहां तक, उल्टा चार्ज को डी क्यू चार्ज को इधर जाना चाहिए, डी क्यू चार्ज को लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। अब डी क्यू चार्ज को इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू लेफ्ट टू राइट, मीन्स फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड ट्रांसफर करने में भी सेल को वर्क करना पड़ेगा। सो हम इसको भी लिखेंगे कि अब ये एक्चुअल में तो इंटरनल वर्क में ही काउंट होगा, है ना, इंटरनल वर्क में ही काउंट होगा। सो अब हम ऐसा करते हैं ना कि इसको इंटरनल नहीं मानता मैं, ये तो एक्चुअल में सेल का वर्क ही है, जनरल वर्क है, अब मैं इसको लिखूंगा इंटरनल वर्क, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इसको लिखूंगा। नाउ ये तो नॉर्मल वर्क था, ये तो वर्क डन निकाला हमने, ये एक्सटर्नल निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन बाय दी सेल, बाय दी सेल, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, मान लो इस स्मॉल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो स्मॉल भी है, क्योंकि छोटा रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज भी यहाँ पे कम होगी, छोटी होगी। तो मान लो जैसे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को कैपिटल वी माना था, बड़ी वोल्टेज माना था, तो मान लो इस छोटे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है स्मॉल वी, और डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। सो अब कितना वर्क करना पड़ेगा, सो इसको लिखेंगे डी डब्ल्यू इंटरनल इज इक्वल टू स्मॉल रेजिस्टेंस के अक्रॉस स्मॉल वोल्टेज, और फिर ये डी क्यू चार्ज, बस अब इजी है। सो इसको लिखो
इज इक्वल टू स्मॉल वोल्टेज V, और डी क्यू को लिख सकते हैं I इंटू डी टी। तो इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर थ्री, इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है बच्चों, सो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो कि जो ये जो वर्क है इक्वेशन नंबर वन का जो वर्क है, एक्चुअली इसके कारण ये दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, इक्वेशन टू और थ्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बैटरी का जो वर्क है वो दो पार्ट्स में बटेगा। बैटरी कुछ वर्क तो करेगी यहाँ पे और कुछ वर्क करेगी इसके अक्रॉस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बैटरी का जो ये वाला वर्क है इक्वेशन नंबर वन वाला, इसको मैं इक्वल कर दूं टू प्लस थ्री के, क्योंकि इसका वर्क दो पार्ट्स में बटा है, कुछ वर्क यहाँ पे हुआ है मीन इक्वेशन नंबर टू आई है, और कुछ वर्क यहाँ पे हुआ है मीन इक्वेशन नंबर थ्री आई है। तो मैं ऐसे लिख दूं, इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री, मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डी डब्ल्यू इंटरनल। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बैटरी का जो टोटल वर्क है, ये वाला जो वर्क है बैटरी का जो टोटल वर्क है वो दो पार्ट्स में हुआ है, इस वर्क में से कुछ वर्क यहाँ पे आया है और कुछ वर्क यहाँ पे आया है। तो अब लिख दो, अब डी डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे, ई आई डी टी is equal to dw external v I into dt plus dw external small voltage v current I and dt। अब देखो यहां पे जो चीजें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते हैं, जो चीजें कैंसिल होंगी उनको कैंसिल करेंगे, और अब देखो V भी क्या होता है बच्चों, V अभी जो वोल्टेज है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, V is equal to I into small r, ऐसे लिख सकते हैं ना, वोल्टेज को कैसे लिख सकते हैं, करंट जा रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है R, तो V को लिख दिया I into R। तो यहाँ पे हम इस V की जगह लिख सकते हैं I into R, तो ये बन जाएगा बस, तो डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पे बात समझ में आ रही है, इस V की जगह लिखेंगे I into R। तो अब मेरे पास बन जाएगा ये I square into R। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, सो ये हो गया मेरे पास I square small R into dt। तो जो चीजें कैंसिल होती है उसको कैंसिल करते हैं, देखो बच्चों कैंसिल क्या होगा, I यहाँ पे भी है, I यहाँ पे भी है, तो I तो कैंसिल हो गया, ये एक्चुअली I square है, तो एक I कैंसिल हो गया, एक I बचेगा, DT यहाँ पे भी है और DT यहाँ पे भी है, तो ये भी कैंसिल होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, तो इधर लेफ्ट में सिर्फ बचा E, राइट में क्या बचेगा V, और ये क्या बचा I, और ये क्या बचा R। तो ये रिलेशन हो गया E, V और R, ये तो मैंने कहा था रिलेशन बिटवीन EMF, ये इसको बोलते हैं EMF, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। Of the cell, so तीनों के बीच में बच्चों हमने रिलेशन निकाल दिया। अब इस इक्वेशन को रख लो इक्वेशन नंबर फोर, ये आ गई इक्वेशन नंबर फोर। अब इक्वेशन नंबर फोर को हम थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, तो यहां से अगर हम निकालना चाहें, अब हमें इसमें एक चीज मिसिंग है कि ये कैपिटल आर का क्या रिलेशन होगा इस इक्वेशन नंबर फोर से, ये कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या कनेक्शन होगा इनके साथ, तो वो भी निकालते हैं, तो वो निकालना इजी है। तो यहाँ पे जो आई है
तो यहाँ पे ये v को मैं कैसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू आई इंटू आर लिख दो, इस v को मैं ऐसे लिख दो आई इंटू आर, तो v की जगह पे हमने लिखा आई इंटू आर, ठीक है बच्चों। बस अब इस v की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, सॉरी यहाँ से i की वैल्यू निकाल दो i, तो यहाँ से i कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू v अपॉन r, I कितना हो जाएगा यहाँ पे I is equal to V upon R। तो अब मैं यहाँ पे substituting the value of V, अब ये सॉरी अब ऐसा करते हैं यहां से पहले V की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से V की वैल्यू निकालता हूँ बच्चों, थोड़ा सा इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये तो EMF आ गई, ये टर्मिनल वोल्टेज आ गई, सारा कुछ आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, और अब मैं यहाँ से यही से निकाल लेता हूँ V की वैल्यू, और फिर v की वैल्यू यहाँ से निकाल के तो v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू e माइनस i इनटू r, ठीक है बच्चों, ये आ गया। इसको रखो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में ये जो v की वैल्यू है, इस v की वैल्यू को यहाँ पे रखो, इस v की जगह, तो अब देखो i कितना आ जाएगा मेरे पास, तो i कितना आ जाएगा, i is equal to v की जगह क्या रखा, e minus i into r and divided by r, ठीक है बच्चों। तो अब इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, i into r is equal to e minus i into r, ठीक है, गड़बड़ क्या हुई, ये स्मॉल आर आ गया, ये स्मॉल आर मिस्टेक हो गई, ये आएगा स्मॉल आर, ये स्मॉल आर था ना यहाँ पे, यहाँ पे हमने कट आर कर दिया, तो ये आएगा स्मॉल आर, ये आ गया स्मॉल आर, तो इसकी जगह रखेंगे स्मॉल आर, फ्रैक्शन करो बच्चों, ये भी स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर है, फ्रैक्शन करो इस चीज को, ये आ गया स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, तो ये कर दिया, ठीक है। सो अब यहाँ से e की वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन के अंदर, e के लिए कैलकुलेट करेंगे, e मेरे पास कितना आ जाएगा, e इज इक्वल टू आई आर, e इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ऐसे आ जाएगा, यहां से i कॉमन निकाल लो, so e is equal to i r plus r, ठीक है बच्चों। तो यहां से i के लिए कैलकुलेट कर लो, so i is equal to e upon r plus r, ये मैंने कल तुम्हें फार्मूला बताया था, डायरेक्ट बताया था, आज हमने इसको डिराइव किया, ये i हमारे पास क्या होगा, कौन सा वाला i है, i is equal to v upon r, तो i is equal to emf upon r plus r, क्योंकि r external resistance और ये internal resistance दोनों सीरीज में होंगे, तो सीरीज में होंगे, ये r plus r हो जाएगा, इस मेथड से हम टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसमें हमें कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, सो व्हाट इज द कंक्लूजन और व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, थोड़ा सा ये क्या होगा, चलो ठीक है, इसको आज नहीं देखेंगे।